हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने अंडरस्टैंडिंग द बीड्स कंसेप्ट, बीड्स आइडेंटिफिकेशन लर्न किया था और उसमें बहुत सारे बच्चों ने एक गलती की है, मिस्टेक की है। जैसे मैंने चेक किया है तो मुझे पता चला कि यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर दिया गया है और बहुत सारे बच्चों ने बड़े से छोटे नंबर तक लिखा है। तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको इन बीड्स को आइडेंटिफाई करके ए नंबर यहाँ पे लिखना है और उसके बाद उन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटा बड़ा 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 इस तरीके से आपको नीचे ले जाना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आपको ये असेंडिंग ऑर्डर को आगे ले जाना है। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है, तो 0, उसके बाद 1 5 15, उसके बाद 23, उसके बाद 24, उसके बाद इस तरीके से आपको ये नंबर सीरीज कंप्लीट करना है। ओके, देन चलिए आज नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं। डे टू का कंसेप्ट, आज हमें बीड्स ड्रॉ करना है। लास्ट क्लास में हमने जो बीड्स दिए थे उनको आइडेंटिफाई करके अबेकस पे लेके यहाँ पे वैल्यू लिखा था। आज यहाँ पे आपको वैल्यू दिया गया है तो आपको यहाँ पे बीड्स ड्रॉ करना है। तो देखते हैं किस तरीके से करना है। देखिए यहाँ पे 1 दिया है तो आपको अबेकस पे एक बीड को डिवाइडर की तरफ मूव करना है और यहाँ पे भी यूनिट प्लेस पे एक बीड ड्रॉ करना है इस तरीके से। ओके, बाद में इसे लेस कर दीजिए। देखिए सेकंड ए रो सेकंड 2 दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे स्टार्टिंग पॉइंट जिसमें दिया है उस रॉड पे आपको 2 बीड्स को डिवाइडर की तरफ मूव करना है। तो ये करके आप यहाँ पे 2 बीड्स ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ओके, नेक्स्ट 3, तो यहाँ पे भी आपको 3 बीड्स को मूव करना है अब डिवाइडर की तरफ और यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट जिस रॉड पे दिया है वहाँ पे 3 बीड्स को ड्रॉ करना है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है 4, तो आप 4 बीड्स को डिवाइडर की तरफ मूव करेंगे और यहाँ पे भी 1 2 3 एंड 4 बीड्स ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है 5, तो 5 अपर बीड है तो आप सिंगल अपर बीड एक डिवाइडर को टच करेंगे और यहाँ पे एक अपसाइड बीड ड्रॉ करेंगे। इस तरह से ए रो हमने कंप्लीट कर लिया है। चलिए देखते हैं रो बी। तो चलिए बी रो अभी देखते हैं। यहाँ पे दिया है नंबर 6, तो आपको भी अबेकस पे लेना है एक अपर बीड 5 एंड लोअर बीड 1 6 5 6, तो यहाँ पे भी आप एक अपर बीड ड्रॉ करेंगे और एक लोअर बीड ड्रॉ करेंगे डिवाइडर को टच करता हुआ, तो हो जाएगा 6। ओके, नेक्स्ट नंबर यहाँ पे दिया है 7, तो क्या करेंगे आप अपर बीड 1 5 6 एंड 7, 1 अपर बीड एंड 2 लोअर बीड, तो यहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे 5 6 एंड 7। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है नंबर 8, तो देखिए 5 6 7 एंड 8, अपर बीड 1 एंड 2 3 लोअर बीड। ओके, तो ऊपर 5 6 7 एंड 8, इस तरीके से आप बीड्स को ड्रॉ करेंगे। देन नंबर 4 है 9, तो 5 6 7 8 9, तो ये टोटल डिजिट 9 हो गए, तो आप अपर बीड 1 एंड लोअर बीड 4 ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से आपको बीड्स ड्रॉ करना है। देखिए अभी यहाँ पे 1 0 10 दिया है तो आप क्या करेंगे, यूनिट प्लेस पे आपको कुछ भी नहीं करना है, टेंथ प्लेस पे आपको खाली लोअर बीड एक ऊपर करना है, क्योंकि आपको पता है कि ये यूनिट प्लेस है और टेंथ प्लेस है। यहाँ पे हर बीड की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे हर बीड की वैल्यू 10 है। तो यहाँ पे अगर कन्फ्यूजन है तो देखिए सीधा सीधा यूनिट प्लेस पे 0 है और टेंथ प्लेस पे फर्स्ट रॉड पे 0, सेकेंड 2 नंबर है और 2 रॉड है, तो फर्स्ट रॉड पे 0 सेकेंड पे 1 है, तो यहाँ पे 1 बीड को मूव कीजिए और यहाँ पे यूनिट प्लेस के आगे वाला जो रॉड है टेंथ प्लेस पे आप एक बीड को ड्रॉ कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 0, इसमें यहाँ पे दिया है 11 नंबर, तो आपको क्या करना है टेंथ पे 1 और यूनिट पे 1, क्योंकि 10 एंड 1 11 होता है, तो यहाँ पे भी आपको यूनिट प्लेस पे एक बीड और टेंथ प्लेस पे यूनिट पे एक बीड और टेंथ प्लेस पे एक बीड ड्रॉ करना है। ओके, इस तरह से। नेक्स्ट 1 2 12, तो 1 2 12, तो 2 नंबर है तो 2 रॉड्स पे आपको ड्रॉ करने हैं, फर्स्ट रॉड पे 2 और सेकंड रॉड पे 1, यानी यूनिट प्लेस पे 2 बीड्स और टेंथ प्लेस पे 1 बीड। कैसे देखिए 1 1 2 12,
ये यूनिट प्लेस है और ये टेंथ प्लेस है, तो ये हो गया 1 to 12। तो आपको भी टेंथ प्लेस पे 1 और यूनिट प्लेस पे 2 बीट्स ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट 1, 3, 13 सेम होगा, टेंथ पे 1 और यूनिट पे 3, तो 1, 10, 11, 12, 13, 1, 3, 13, तो टेंथ पे 1 और यूनिट पे 3 बीट्स आप ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट 1, 4, 14, टेंथ पे 1 यूनिट पे 4, इस तरह से आपको बीट्स ड्रॉ करने हैं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4, तो क्या हो जाएगा 10, 11, 12, 13, 14। नेक्स्ट यहाँ पे 15 दिया है तो क्या करेंगे, टेंथ प्लेस पे 1 बीट और यूनिट प्लेस पे अपर बीट 1, 10 and 5, 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 बीट आप ड्रॉ करेंगे, अपर बीट 1 और लोअर बीट 10 स्लॉट पे। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज क्या करना है। देखिए अभी 1, 6, 16 नंबर यहाँ पे दिया है, तो ये रहा 10, ये 5 एंड ये 1, 6, 16, 10, 15, 16, 1, 6, 16 हो गया। तो यूनिट प्लेस पे 6, अपर बीट 1, लोअर बीट 1 और टेंथ प्लेस पे 1 लोअर बीट, इस तरीके से आप बीट्स ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट 1, 7, 17 अगेन सेम, टेंथ पे 1 और यूनिट पे 7, देखिए 10, 15, 16, 17, यहाँ पे 1, यहाँ पे अपर बीट 1 और लोअर बीट 2, इस तरह से ये 17 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे 1, 8, 18 दिया हुआ है, तो टेंथ प्लेस पे 1 और यूनिट पे 5, 6, 7, 8, तो देखिए टेंथ पे 1, यूनिट पे अपर बीट 1 और लोअर बीट 3 आपको ड्रॉ करना है, तो ये हो गया 1, 8, 18। नेक्स्ट देखिए 4th 1, 1, 9, 19, टेंथ पे 1, यूनिट पे 9, देखिए 10, 15, 16, 17, 18, 19, ये हो गए 1, 9, 19, तो आपको भी यहाँ पे टेंथ पे 1, यूनिट पे 9 बीट्स ड्रॉ करने हैं, 1, 2, 3, 4। ध्यान रखिए ये सारे बीट्स अपसाइड होने चाहिए, डिवाइडर को टच होने चाहिए, नीचे या ऊपर टच करते हुए ये बीट्स नहीं होंगे, ये डिवाइडर को टच करते हुए होंगे। नेक्स्ट देखिए अभी यहाँ पे 2, 0, 20 दिया है, तो आपको यूनिट प्लेस पे कुछ भी नहीं करना है, देखिए 0, फर्स्ट रॉड पे 0, सेकंड रॉड पे 2, तो सेकंड रॉड पे आपको 20 लेना है, 10, 20, जैसे मैंने बताया था कि यूनिट प्लेस पे हर बीट की वैल्यू 1 है, तो टेंथ प्लेस पे हर बीट की वैल्यू 10 है, तो ये 10 और ये 10, 20 हो गए, तो यहाँ पे आपको 20 लिखना है, और यहाँ पे भी टेंथ रॉड पे 2 बीट्स को आपको ड्रॉ करना है। ओके, चलिए देखते हैं सी। देखिए यहाँ पे 5, 0, 50 लिखा है, तो आप कौन सा बीट लेंगे, अपर बीट की वैल्यू मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूनिट प्लेस पे 5 है, तो टेंथ प्लेस पे 50 है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली 1 बीट अपर बीट ये डिवाइडर को टच करेंगे, तो ये वैल्यू हो गई 50, ये 5 और यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 0, 5, 0, 50, तो आप भी टेंथ प्लेस पे अपसाइड एक अपर बीट ड्रॉ करेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 40 दिया है, तो आप क्या करेंगे, टेंथ प्लेस पे 10, 20, 30, 40, यूनिट पे कुछ भी नहीं, 0 मीन्स 0, कुछ भी नहीं है, और टेंथ रॉड पे आपको 4 बीट्स ड्रॉ डिवाइडर को टच करने हैं, तो ये हो गया 40। नेक्स्ट देखिए 5, 6, 56, तो क्या करेंगे आप, अपर बीट 1 और लोअर बीट सॉरी यूनिट प्लेस पे अपर 1 लोअर 1, देखिए 50, 55, 56, 5, 6, 56, तो आपको भी 2 अपर बीट 55 और नीचे 1 56, इस तरह से ड्रॉ करने हैं। देखिए यहाँ पे 3, 3, 33, तो अपर बीट कुछ भी नहीं है, यहाँ पे लोअर बीट यूनिट प्लेस पे 3 और टेंथ पे 3, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 31, 32, 33, 33 हो गए। नेक्स्ट यहाँ पे 44 दिया है, तो यूनिट पे 4 और टेंथ पे 4, ऐसे 44 आपको लेना है, और यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे यूनिट पे 4 और टेंथ पे 4, इस तरीके से आप 4-4 वे ड्रॉ करेंगे, तो ये हो गया नंबर 44। नेक्स्ट देखिए अभी यहाँ पे दिया है 6, 0, 60, तो आपको क्या करना है, यूनिट रॉड पे कुछ भी नहीं है, टेंथ पे आपको 50 और ये 10, 60, 6, 0, 60, तो टेंथ रॉड पे आप अपर बीट 1 और लोअर बीट 1, ऐसे 6, 0, 60 ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है 6, 9, 69, तो क्या करेंगे आप, 50, 60 और टेंथ यूनिट प्लेस पे 9,
फिफ्टी, सिक्सटी, सिक्सटी फाइव, सिक्सटी सिक्स, सिक्सटी सेवन, सिक्सटी एट, सिक्सटी नाइन। तो कैसे ड्रा करेंगे? फिफ्टी, सिक्सटी, सिक्सटी फाइव, सिक्सटी सिक्स, सिक्सटी सेवन, सिक्सटी एट, सिक्सटी नाइन। इस तरह से आप बिट्स ड्रा करेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है 99। तो क्या करना है? सिंपली दोनों रॉड पे सारे बिट्स लेने हैं आपको। क्यों? क्योंकि ये 50, 60, 70, 80, 90, 95, 96, 97, 98, 99। तो ये हो गए 99 टोटल वैल्यू। तो 50, 60, 70, 80, 90, 95, 96, 97, 98, 99। ओके, इस तरह से। देन नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लिखा है 76। तो आपको क्या करना है? 50, 60, 70, 75, 76 बीट्स को प्रॉपरली वैल्यू ध्यान में रखिए और तरीके से सेम बीट्स आपको ड्रॉ करने हैं। देखिए, ये यूनिट रॉड है, ये यूनिट रॉड है, ये टेंस रॉड है, ये टेंस रॉड है। तो इस रॉड पे आपको अपर बीट एक, लोअर बीट एक, और टेंस रॉड पे अपर बीट एक, लोअर बीट दो लेने हैं। तो 50, 60, 70, 75, 76 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अभी 34। तो अबेकस पे क्या लेंगे आप? टेंस पे 3 और यूनिट पे 4। तो 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 34, 34। देखिए, टेंस पे 3 और यूनिट पे 4 बीट्स आपको इस तरीके से ड्रॉ करने हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए, अभी यहाँ पे 2121 नंबर दिया है, तो हमें क्या करना है? पहले तो अबेकस को जूम कर लेते हैं। टेंस प्लेस पे 10, 20 और यूनिट पे 1। तो ये हो गया 10, 20, 21। तो यहाँ पे भी हमको टेंस रॉड पे 2 और यूनिट पे 1 बीट ड्रॉ करना है इस तरह से। नेक्स्ट 24, पहले भी हम 24 कर चुके हैं, यूनिट पे 4 और टेंस पे 2 बीट्स, जैसे 10, 20, 21, 22, 23, 24। तो यहाँ पे 10, 20, 21, 22, 23, 24, इस तरह से आपको बीट्स ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट 28, 10, 20 और यहाँ पे 5, 6, 7, 8। तो 10, 20, 5, 6, 7, 8 यूनिट और टेंस रॉड पे इस तरह से हमें बीट्स को ड्रॉ करना है। नेक्स्ट 2, 2, 22। तो यूनिट पे 2 और टेंस पे 2। देखिए 10, 20, 21, 22 इस तरह से हमें बीट्स को ड्रॉ करना है। ओके, नेक्स्ट 2929, 10, 20, 25, 26, 27, 28, 29। हर बार फिंगर्स को ध्यान में रखिए, वही फिंगर हमें यूज़ करने हैं। लोअर बीट के लिए थंब और अपर बीट के लिए इंडेक्स फिंगर। तो ये हो गए 29। तो टेंस पे 2 और यूनिट पे 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से हम बीट्स को ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पे अभी 45, 45। तो टेंस पे 40 और यूनिट पे 5, तो ये हो गए 45। देखिए 10, 20, 30, 40, 45। तो 10, 20, 30, 40 और ये अपर बीट एक 45। इस तरह से हम बीट्स को ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है 47, 10, 20, 30, 40 और ये 5, 6, 7, 47, 10, 20, 30, 40, 45, 46, 47। इस तरह से बीट्स ड्रॉ करेंगे। एंड लास्ट वन इज अवर 52। तो किस तरह से करेंगे? टेंस पे अपर बीट एक और यूनिट पे लोअर बीट 2। तो ये हो गए 50, 51, 52। तो यहाँ पे भी उसी तरह से ड्रॉ करेंगे। टेंस रॉड पे अपर बीट एक, तो हो गए 50 और यूनिट पे लोअर बीट 2, 51, 52। तो इस तरह से ये डे 2 का कंसेप्ट आज हमने लर्न किया है। सो डू मोर प्रैक्टिस ऑफ बीट्स आइडेंटिफिकेशन एंड बीट्स ड्रॉइंग ऑन अबेकस एज वेल एज इन योर वर्कबुक। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू सून। थैंक यू।